जिदण दा अज दी सरकार आई है ये बंदा सानू मेंटली टॉर्चर कर रहा है। मैनू भी ते हुण मेरे परिवार नू भी ते लगातार कदे विधानसभा च कहिंदा है कि जो चन्नी किथे भज गया वो किथे तुहाडा सीएम, मैं उहनू फाइलां दिखाउणियां है। हुण 6-7 महीने ते मैं आया होया, अज तक तो कोई फाइल दिखाई नहीं। फिर कदे कोई इल्जाम, कदे मेरे मुंडे दे ब्याह दे, कदे होर कदे होर, फिर कदे मेरी प्रॉपर्टी दे, लगातार जीना हराम कर रहा है। हुण मेरे परिवार ते भी पै गया। मैं तो गुरु ते ओट रखी हुई है, लोकां ते ओट है, क्योंकि मैं अपने जन्मदिन वाले दिन अखंड पाठ कराया सी। तो सवेरे सवेरे भाई जी आया, मैं ऐसी मत्था टेकिया शुरू कराया, तो जेड़ा वाक आया सी वो आया सी, तू काहे डोले प्राणिया, तू दराखेगा सिरजनहार। सो मैं उस परमात्मा दे भरोसे दे नाल चलदा हमेशा, ते अजिहे झूठे इल्जाम पहला भी लगदे रहे है, अज भी लगे है, आखर नूं इहनां ने साफ हो जाना है। लेकिन इस बंदे दा जिहड़ा काम है वह मैनूं बदनाम करना ज्यादा है, जलील करना ज्यादा है। कदे बोल दिंदा जी कि यह साहिबजादियां दे पैसे खा गया, वो तैनूं क्या पता है साडी साहिबजादियां दे नाल किन्ना अकीदा है, किन्नी शरदा है, तू जानदा क्या है यार। यह बंदा सिर्फ बदनाम करने वास्ते, मैनूं कल्ला नहीं, कांग्रेसियां नूं सारियां नूं कर रहा है। थोड़े पत्रकार नहीं छड़े, जेड़ा बंदा विरोधी है, माड़ी जी विरोध करता है, उहदे पर ऐसा इल्जाम लगाएगा कि ठोकर लग जांदा है, अगले का जीना हराम हो जांदा है। तुसी दसो कि पहला इहदे बारे च पहले दिन जिहड़ी इहदी इहने लैक्चर करिया वो तुसी कढ के देखो, उहदे च कह रहा कि चन्नी ने कहा कि अपने भाणजे नूं कि तुसी मेरे भाणजे नूं मिलो, फिर थोड़ा जिहा हासी वाले मजाकिया अंदाज भाणजा ये भी करिया। देखो तुसी कढ के, तुसी सारे पत्रकार हो, थोड़े सारे पास वीडियो पई है, भाणजा मतलब हनी नाल जोड़न की कोशिश की सी इस गल नूं। उस दिन ऐसी बंदा भेज के हनी नूं ग्रिल कर लिया कि दस क्या गल है, वो कहता मेरी कोई गल नहीं। फिर मैं सौं खाधी, मैं अपने भाणजे भतीजे सारे की सौं खाधी कि नहीं इस तरह हो सकता, मैं पूछ लिया। और मैं सौं खाधी सी कि जी मैं किसी नूं ये नहीं किया कि तुसी मेरे भाणजे भतीजे नूं मिल लो। उस तो बाद इन्हें अगली उहदे विच इस बारे जिहड़ी गल कीती उहदे च भाणजे भतीजे लिया आ, ते अज भाणजे छड्डते एक भतीजे पर लिया आ। आ मेरा भतीजा बैठा जैसे खड़ा हो, मेरे छोटे भाई का मुंडा है डॉक्टर मनोहर का, इहदा फादर भी डॉक्टर है, MD है, बैठ जा। इहदी मदर भी डॉक्टर है, स्किन स्पैशलिस्ट है, ये भी डॉक्टर है। इहदा छोटा भाई है जिहड़ा, वह भी हुणे डॉक्टर बनिया। डॉक्टरां दी सारी फैमिली है, और यह डॉक्टर बन के हुण नौकरी कर रहा है, उस टाइम भी नौकरी करता सी। जे किसे दा बिल्कुल बहुत घट मतलब है ही नहीं दे बराबर लिंक है इस तरह का मेरे नाल, तां ये जशन है, इन्हें शौक हैगा, लेकिन नौकरी पढ़ने है क्योंकि बाप MD है, माँ MD है, तो कहना मैं MD मैं भी बनना है, ऐतकी पेपर दिता सी। इनू हुण साडे परिवार नूं भी बदनाम करना शुरू करता। ये पढ़ने लिखने वाले मुंडे हैं, इन्हां नूं इन्हां गल्लां दा क्या पता है। ये एक दिन आया है उस जगह दे उपर जिस दिन मैं सौं चुकी है, अदरवाइज कदे उत्थे नहीं आया है। कढ लैण इहदी हुण गल इह है कि जिहड़ियां मैं गल्लां बोलनियां उहनां ने उहदा काउंटर होर तरीके नाल बना लेना, क्योंकि उहनां ने सारियां बोलियां नहीं, इस करके सारियां मैं बोल भी नहीं सकता। दो तीन गल्लां जिहड़ियां आप
झूठ उहदा पहला भतीजा पहला भाणजा फिर भतीजे पर आ गया फिर पहला भतीजे भाणजे दे आया। इस तों इलावा तुसीं इह देखो कि उह बंदा कहिंदा है कि जी मैं कैप्टन कोल भी गया। यह कह रहा उहदे फादर नूं बोलण दित्ता मुंडे नूं तां बोलण ही नहीं दित्ता सवार के मैं कैप्टन कोल गया पहला। वह कहिंदा तेरा केस बणदा है तेनूं नौकरी दे दांगे। इन्हे नूं सरकार टुट गई। फिर मैं चन्नी कोल गया चन्नी कहिंदा तेरा केस बणदा है मेरे भतीजे नूं मिलदा है। इहदा मतलब उहनूं इह तां पक्का सी कि मेरा केस बणदा जिस तरह उहने पेश कीती गल। फिर क्या उह जद मैं बदल गया भगवंत मान कोल सभा साल च नहीं आया होगा बई अपनी नौकरी लैण। जद उहनूं पता है कि मेरा केस ठीक है और बनता है मैनूं कैप्टन ने भी हां करती मैनूं चन्नी ने भी हां करती दोनों बदल गए हुण भगवंत मान आ गया सभा साल दे विच क्या उह भगवंत मान कोल आया ही नहीं। तुसीं पत्रकार हो सियाणे बंदे हो अंदाजा लगाओ कि फिर उह सौं गया सी बई कि हुण भगवंत मान कोल नहीं जाणा इह चंगा बंदा नहीं। असली गल क्या है कि उह भगवंत मान कोल आया होएगा उहने दस्सिया भी होएगा ते फिर भगवंत मान ने कहा दे दिने नौकरी लेकिन इस तरह करना पैना है। फिर चन्नी दे खिलाफ चिल्लिया चवारा कि हुण करो इहनूं लोट। इस तरह दियां सोचां दे नाल इह बंदे काम कर रहे है। लेकिन मैं हुण जद इस बंदे ने इस तरह समय ही चिट्टा झूठ बोल के टीवी दे उत्ते मैं देख रहा सी बैठा एक वकील साहब दे घर तां इहने चिट्टा झूठ बोल के एलीगेशन लगा दे तां बंदा एक बार तां सटन हो जांदा यार हुण इहदा क्या करिए। इन्ना झूठ इन्ना इन्ना धोखा इन्ना फ्रॉड। मैं भी आखिर किसी गुरु के घर जाके अरदास की हुई है सच की अजे मैं निमो झूणा जी होया सी कि मैनू सुखपाल खेरे का टेलीफोन आ गया कि अपना वट्सएप चैक करो। मैं क्या उहदे च कहिंदा एक लिंक है मैं देखिया उहदे च एक लिंक आया आ गया कि जी ये बंदा पहला कोर्ट विच गया सी इन्हें पीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब का जिहड़ा उहदे तों नौकरी मंगी उन्होंने इहदी रिजैक्ट करती कि तू स्पोर्ट्स कैटागरी च फॉल नहीं करदा। ये बंदा हाई कोर्ट चले गया हाई कोर्ट दे सिंगल जज कोल लग्गिया उन्होंने कहता जी नहीं। डबल जज कोल अपील करती उन्होंने भी अपील रिजेक्ट करती। हुण अजे क्योंकि अजे पड़तां खुल्लियां नहीं अजे हुणे पता लग्गिया यह भी पता लग्गिया कि सैशन जज ने भी इहदा कैंसल कीता होया मैनूं अजे पूरा पता नहीं है क्योंकि हुणे गल हुई है। अजे मैं जदे प्रेस कर जे मैं ना आउंदा तुसीं कहणा सी उह नहीं आया क्योंकि पूरे तथ आए नहीं। कहिंदे ते सैशन जज तों भी अपील खारज होई भी हाई कोर्ट चों भी खारज हो गई हुण अगे दुबारे पा के वापस भी ले ली क्योंकि हुण भगवंत मान दे नाल सौदा हो गया तां जनवरी च कहिंदे कोई केस वापस लिया हाई कोर्ट चों। भगवंत मान जी सानू मारना है या बदनाम करना है या जलील करना है तां इन्ने बड़े बड़े झूठ बोलण की जरूरत है। सरकारां तैयार नहीं करदियां उयो इनकाउंटर करा लो जे करना ही है ऐ करन दी क्या लोड़ है बई। चन्नी उहदे कितां चारे पासे इह क्या खेल खेल रहा है। जे कोई एलीगेशन तेरे पास मैं कहिंदा जी तेरे पास दरखास्त आ गई आपे बोल रहा सी या बाप बोल रहा सी दरखास्त आ गई तू उहनू मार कर सानू पुलिस वाले बुलावे असीं जाइए दसीए उहनू गल। आप सनसनी खेज बना रहा पहला एक स्टेज पर ते बोलता फिर बोलता अज टीवी ते 15 मिनट रह गए जी 14 मिनट रह गए जी 13 मिनट रह गए जी यार क्या रह गए बई। हुण भी अजे तुसीं देखियो अज बुला लिया जी अज भेजता जी अज पुलिस चलेगी जी ये अज का नहीं है सवा साल का हो रहा है सारे कांग्रेसियों के नाल
यार दसो जिन्हों हाई कोर्ट ने दो बार रिजेक्ट कर लिया केड़ा मुख्यमंत्री है जेड़ा नौकरी देगा क्यों दवान वाले ये जेड़ा बंदा है इहदे वर्गे एक नहीं हजार है पंजाब दे विच इहदे पर डी ग्रेड है डी ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस डी डी प्लस इहदे पर डी है वो मेरे पास बी प्लस है आ इधर ए प्लस बैठा है मैं तो नौकरी अपने आप नूं नहीं ली मेरा अपना मुंडा उहदे पास बी प्लस है फुटबॉल का गोलकीपर है गोल्ड मेडलिस्ट है तुसी ऐसी अपने मुंडे नूं तो नौकरी दित्ती नहीं तेरे मुंडे आ मुंडे नूं किस तरह दे देंदे भाई यार केड़ा प्लेयर है आपे कह रहा कि चन्नी ने कहा बहुत गोल्ड ओलंपिक खेडे हो हां भाई तू ओलंपिक खेडे ओलंपिक वाले नूं नौकरी दित्ती है हाकी दे प्लेयरां नूं उन्हां ते जाके पुछो ना भी चन्नी ने पैसे ले जेड़े ने देती नौकरी उन्हां नूं तां पुछदे नहीं कि चन्नी दे पैसे ले जेड़िया नूं दित्तियो नहीं हामियो नहीं भरी वो बंदा खड़ा कर लिया झूठा मेरे खिलाफ के जी अर झूठा भी किसी गल पर करिया आपे नूं कह गया मुख्यमंत्री अज उस बंदे नूं बिल्कुल नौकरी नहीं मिलती कैबिनेट विचों पीसीएस दे विच आ जांदा आ भी जांदा लेकिन कैबिनेट नूं देण दी नहीं बणदी क्योंकि उहे जे हजारां है पंजाब दे विच या तां हुण उहनूं गुहा खड़ा रखण वास्ते हजारां नूं भी देनी पएगी या उहनूं कल्ले नूं क्यों देण कैबिनेट दे विच नौकरी जे कैप्टन ने नहीं दित्ती मैं नहीं दित्ती तां कमी होएगी ना इह गल बाद दे विच बना ली सो मैं बेनती करना चाहुंदा हां कि पंजाब दे लोको ये जेड़े पूरी ठगी मेरे घर दे नाल अज हो रही है मेरा घर लुटिया जा रहा है मैनू झूठा बदनाम करके अंदर ठोकण दीआं साजिशां कह भी गया कि अंदर दवांगे सारिआं नूं कह गया मुख्यमंत्री ये मुख्यमंत्री दे शब्द बणदे है अजे कोई इनकुआरी नहीं कराई वो बंदे सच्चे है कि झूठे है तू उहनूं स्टेज परे उत्थे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं मैं इन्हू नौकरी दूंगा इहदा मतलब हां करती उन्हू ये मुख्यमंत्री का काम है आही काम सवा साल से चली जा रहा ना कोई पंजाब की तरक्की की गल है सानू इन्हां गल्लां बारे बोलना पैंदा है ऐसी भी नहीं बोल पा रहे तरक्की की गल क्योंकि रोज कोई ना कोई अज मैं एक बड़ा इशू बोलना सी लेकिन इन्हें सनसनी खेज इस तरह तरीका लभ्या मैं वह छड़ गया हूँ इन्होंने बोलना उस तो बाद मैं अज भी वह मसला थोड़े सामने रखना क्योंकि अब मौका मिले तो सारी प्रेस आई भी है सो मैं कहना चाहता है जैसे तक खड़ के दस दे एक बार नहीं बस दस दो जशन एक बार तू खड़ा होकर दस दे तेन बंदा कदे मिलिया ते कदे पैसे देखे ओदे तेरे पर पैसे लेना आया यार ये कोई बहुत एक्सपर्ट बंदा नहीं फिर भी ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸ਼ਨ मेरी गल सुनो जब मुख्यमंत्री किसी प्रोग्राम च पहुंचता लाइन च बंदे लगे होंगे या जब जाता है मूहरे बंदे कुछ खड़ जाते हैं इस तरीके दे नाल वह प्रोग्राम की फोटो है उन्हें दिखाया जा रहा पंजाब भवन दे विच मोहाली का कोई फंक्शन है फंक्शन दे विच मुख्यमंत्री नूं 100 बंदा मिलता है
100 ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਵ ਕਰਦਾ 100 ਬੰਦਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਉਤਰੀ ਵੀ ਯਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਈਏ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਜੌਬ ਦਾ ਆਫਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੌਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ लेकिन मैं कदे यही गल मैं सहु करती थी अज फिर कहना कि मैं कदे ये नहीं कहा कि मेरे भतीजे जशन में मिल रहा है उस दिन मैं सहु करती थी मैं किसी भतीजे को नहीं कहा अज उन्हें जशन नाम लेता अज भी शायद जशन किया उस भी गंजाइश रख के पता नहीं किसी होर का भी नाम देना कल ईदा कट के देखो जी मैं वीर जी मेरे याद नहीं है कि जी मैं उसनों कदे इस नौकरी बारे उन्होंने कुछ कहा हाँ जरूर नौकरी वास्ते आया होगा लेकिन मैं ये तक कह ही नहीं सकता नाले एक बंदा है मेरे भतीजे है मेरिया छे भैन है ना सॉरी छे सत भैन भाई हैं असी ये तीन भैन चार भाई है एक मेरी साड़ी है एक मेरा साड़ा है कुल मिला के नौ हो गए नौ घर जिन्ने जिदण का बोल रहा कलेश पिया होया रोटी पटकनी औखी हुई भी है हरेक अपने मुंडे कहीं झाकी जाता है खेती कितने आता नहीं है अच्छा मैं पूछता मुंडे से थोड़ी देर बाद बापू का टेलीफोन आ जाता है कि तू साडे मुंडे पर शक करता मुंडा साडे नाल लड़ता यार ये इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं लोग बहुत लंबे खोले फिर खेले आया यार ऐ दस केड़ी नौकरी दो करोड़ दी आप कहते चार लीडे नहीं है कहते घर करती है मेरी गल सुनो तुसी अपना मकान भी बेचना हो ना तो ये देखते भी खरीदने वाले औकात भी है स्पोर्ट्स बारे कहना चाहते हैं।